हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। हम डेली बेसिस पे वेबसाइट पे करंट अफेयर को जो है अपडेट करते हैं। फिलहाल आज हम जो 2023 के जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर की जो है रिवीजन करा रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन हमने इसमें ऑलरेडी लिया हुआ है जहाँ पर आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। आज हम जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी जो है मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी जो फैक्ट है जो हमको स्पोर्ट्स रिलेटेड जानने होंगे। अगर आप JKSSB एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो अपकमिंग होने वाले हैं, या डिफरेंट किसी एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो है। जैसे कि स्टॉक असिस्टेंट का एग्जामिनेशन जिसने देना है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का देना है, सुपरवाइजर जो है उसके एग्जामिनेशन देने हैं आपने, पटवारी का एग्जामिनेशन देना है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का देना है, फॉरेस्टर का देना है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप आंसर देने की ट्राई करेंगे क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट द 19th एशियन गेम्स? 19वीं एशियन गेम्स में कौन सी वो कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा जो है मेडल लिए हुए है? तो आप ये आपको याद रहे वो चाइना है। चाइना ने जो है सबसे ज्यादा मेडल लिए है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 19th जो है एशियन गेम्स जो है ये एक्चुअली में 2022 की गेम्स थी, लेकिन जो है ये पोस्टपोन हो चुकी थी और सितंबर जो है 2023 में जो है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये गेम्स जो है करवाई गई। ये गेम्स जो है चाइना के शहर हांगझो में जो है ये गेम करवाई गई। इसका मॉस्कॉट की अगर हम बात करते हैं, ट्रियो ऑफ रोबोट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन रोबोट्स, ये इसका मॉस्कॉट था, जिनके नाम जो है वो कोंग कोंग है, लियान लियान है, एंड चेन चेन है। मोटो की बात करेंगे, हर्ट टू हेड एट द रेट फ्यूचर, ये इसका मोटो है। अब बात करेंगे हम ओपनिंग सेरेमनी की, जो ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से फ्लैग बैरियर थे वो हरमनप्रीत सिंह थे और लोवलिना बोरगेन थी, जो कि रेसलिंग से रिलेटेड है और ये हॉकी से रिलेटेड है। फ्लैग बैरियर की बात करूंगा क्लोजिंग सेरेमनी में, तो PR श्रीजेश है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। चलिए कुछ और फैक्ट जो है जानेंगे इससे इसके रिलेटेड, क्योंकि आज जो हम डिटेल जो है पूरे करंट अफेयर की रिविजन करना चाहते हैं। वीडियो कितनी बड़ी होगी और मैं कब तक पढ़ा पाऊँ, एक वीडियो में कवर करे या दो वीडियो में कवर करे, ये देखना पड़ेगा अभी। चलिए, सबसे ज्यादा जो इसमें मेडल जीत है वो चाइना ने जो है वो है, चाइना का रैंक 1 होगा। चाइना ने जो कुल मिलाकर 383 जो है मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पे जो रैंक है वो जापान का है। तीसरे नंबर पे जो है वो 190 मेडल के साथ साउथ कोरिया होगा। तो 180 जो है वो जापान है, ये दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पर जो है 190। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जापान ने गोल्ड मेडल जो है ज्यादा जीते हैं। जो गोल्ड मेडल ज्यादा जीतता है उसका रैंक जो है उतना हायर होता है। साउथ कोरिया का जो हमने थर्ड रैंक और इंडिया का जो है वो चौथा रैंक है, और इंडिया ने 107 जो है वो मेडल जीते हैं। याद रहे, इंडिया ने इसमें से जो है 28 मेडल गोल्ड के जीते हैं, 38 मेडल सिल्वर के जीते हैं, ब्रॉन्ज के 41 जो है मेडल जीते हैं। इतना याद रखना आपके लिए काफी है। चलिए अब विनर्स को हम देख लेते हैं। एशियन गेम्स 2000 जो है यहाँ पर 23 के जो है ये 22 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये 22 एक्चुअली गेम्स होनी थी, आप इसको 23 भी कर सकते हैं, 22-23 आप लिख लीजिए, क्योंकि करवाई तो 23 में है बट थी ये 22 की गेम्स। सबसे पहला नाम जो है इंडिया में जो गोल्ड मेडल जीते हैं, नीरज चोपड़ा, जो कि काफी सालों से जो है फेमस है जेवलिन थ्रो में, इन्हीं को गोल्ड मेडल मिला है। आप देखिए इंडिया के जो टोटल मेडल है 107 के आसपास है। हम हर किसी गेम में हर किसी प्लेयर का नाम तो याद नहीं रख सकते, उतना डेटा जो है याद रखना आपके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि हमें बाकी सब भी पढ़ने हैं। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि VLW में जो है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि एक प्लेयर का नाम पूछा गया था कि वो किस गेम से रिलेटेड थी। इसी तरीके से आप नीरज चोपड़ा का याद रखेंगे, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड था। ज्योति सुरेखा जो थी वो जो है वो आर्करी से रिलेटेड थी। अन्नु रानी जेवलिन से रिलेटेड थी। अविनाश सैबले जो थे वो स्टेपली चेस से रिलेटेड थे। यहाँ पर पलक गुराई का नाम, गुलिया का नाम जो है भूलेंगे नहीं, ये जो है शूटिंग से रिलेटेड है। स्विफ्ट कोर सामरा भी जो है शूटिंग से रिलेटेड है। पलक गुलिया जो है मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ, दूसरी बार हो गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अब भूलेंगे नहीं इसे। फिर तजिंदर पाल सिंह जो है ये शॉटपुट से रिलेटेड है, और पारल चौधरी वुमेन्स जो है 5000 मीटर जो है स्टेपली चेस जो है रिलेटेड है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंडिया ने जो मेडल जीते हैं 107 मेडल जीते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। इंडिया ने सबसे ज्यादा जो है वो मेडल जीते वो शूटिंग में जीते हैं। शूटिंग में इंडिया ने जो है वो 7 गोल्ड मेडल लिए हैं, 7 गोल्ड मेडल और टोटल मिलाकर सिल्वर ब्रॉन्ज मिलाकर 22 मेडल है। तो शूटिंग में जो है इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, डोमिनेट किया हुआ है। तो एथलेटिक्स में जो है 6 है और यहाँ पर टोटल 29 है। तो फिलहाल इस टेबल को आप देख सकते हैं,
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेंगे, बट जो पूछा जा सकता है वो सिर्फ शूटिंग का ही पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स चलते हैं, आप जानते हैं कि इंडिया की कुछ टीम्स थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एशियन गेम्स में, और उसमें जैसे कि क्रिकेट की टीम है एशियन ट्रॉफी जीती हुई थी इंडिया ने, तो गोल्ड मेडल यहाँ पर लिया हुआ है। इसी तरीके से इंडिया की वुमेन टीम ने भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, यहाँ पर इंडिया की वुमेन टीम ने भी जो है वो गोल्ड मेडल जिया लिया है। इंडिया की जो है नेशनल मेंस क्रिकेट टीम जो है उन्होंने भी गोल्ड मेडल लिया है। इसके अलावा इंडियंस की मेंस नेशनल हॉकी टीम जो है उन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल लिया है। हॉकी के बाद जो है अगर हम बात करते हैं वुमेन्स की, जो है वो नेशनल कबड्डी टीम और मेंस की भी जो है कबड्डी टीम दोनों जिन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो लिया है। तो एक कुल मिलाकर हमारी 5 टीमें हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। अब हम बात करते हैं निकहत जरीन की, काफी न्यूज़ों में रही है निकहत जरीन, ये बॉक्सर है, इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लिया है, तो भूलेंगे नहीं आप। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इंडियन एशियन गेम्स 2022-23 के बारे में देखेंगे। इंडिया ने जो कुल मिलाकर जो है अपने जो प्लेयर्स भेजे थे वो 661 थे, जिसमें से इंडिया ने जो है वो 22 मेडल जो अभी शूटिंग में लिए हैं जिनमें से 7 गोल्ड है ये हम पढ़ चुके हैं। तो इंडिया ने जो बेस्ट परफॉर्म किया वो किस किस में परफॉर्म किया है, आर्करी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिसमें 6 इन्होंने गोल्ड मेडल लाए हैं, 29 जो है इन्होंने टोटल मेडल लाए हैं आर्करी में सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलाकर। कबड्डी में बहुत अच्छा इंडिया ने परफॉर्म किया है, क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, फील्ड हॉकी में हमेशा से इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है। इंडिया ने जो पहली बार गोल्ड मेडल लिया है वो बैडमिंटन में इसमें लिया है, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड इन बैडमिंटन, तो ये बात भी आप बोलेंगे नहीं। फ्रेंड्स अगला आगे चलते हैं, मैं कुछ टाइम पहले आपको जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो ग्रैंड स्लैम से पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमने यूएस ओपन की बात की थी, यूएस ओपन टाइटल्स के बाद हमने फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन टाइटल्स की बात की भी है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आप अपने को जज कर सकते हैं, जो हमने परसों वीडियो पढ़ी थी उससे आज आपके कितने क्वेश्चन ठीक होंगे। हु वन द, देखिए एक बात है कि क्वेश्चन जो है वो यहीं से आने, क्योंकि हमने हर चीज को कवर किया है। अगर आप इससे पूरे सेशन को देखते हैं और अगर हमने इसको 2 पार्ट में बनाया, 3 पार्ट में बनाया, क्वेश्चन तो यहाँ से जो है भर भर के आएंगे। अगर स्पोर्ट का सेशन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, अगर नहीं पूछा गया तो वो एक अलग बात है। हु हैज वॉन द मेन्स सिंगल टाइटल 2023 यूएस ओपन, तो यूएस ओपन जो है मेन सिंगल टाइटल जो है वो कौन जीते थे, नोवक डिजोकोविक में जीते थे, इनकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये है। चलिए उससे आगे चलते हैं, इनके रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। मेन सिंगल टाइटल जो है ये यूएस ओपन का इस बार का 143rd जो है वो एडिशन था, और नोवक जो है डिजोकोविक जो है ये सर्बिया के रहने वाले हैं, इन्होंने जो है वो टाइटल जीता था, और डिफीट किसे किया था, रशिया के जो है डैनियल मेडवेडेव को जो है इन्होंने हराया था। चलिए अब आगे चलते हैं, यूएस ओपन जो है वुमेन सिंगल टाइटल की बात करेंगे। वुमेन सिंगल टाइटल में जो है कोको गॉफ का नाम जो है भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। कोको गॉफ जो है वो यूएसए की रहने वाली है, इन्होंने बेलारूस की जो है अरीना सबलनिका को हराया था, तो याद रखेंगे इस फैक्ट को भी। वो छोटी सी 3-4 मिनट की वीडियो है, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा जो है वो मेडल लिए है। 2023 में जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूएसए ने जो है सबसे ज्यादा जो है मेडल लिए है। अच्छा, इसको होस्ट करने वाली सिटी जो थी वो हंगरी थी, यूएसए ने सबसे ज्यादा मेडल लिए है, 29 मेडल लिए है, दूसरे नंबर पे कनाडा है। इंडिया का रैंक जो है वो 18 है, और इंडिया ने इसमें सिर्फ एक गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, और वो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा है, तो इसलिए याद रखेंगे इनका नाम। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो है वो एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, और इन्होंने जो थ्रो किया था वो 88.17 मीटर का था, और नीरज चोपड़ा का जो है वो एक रिकॉर्ड भी है जेवलिन थ्रो में 88.47 का। और उसके बाद जो है पाकिस्तान के अरशद नदीम जो है उन्होंने जो है उनका सेकेंड रैंक था जेवलिन थ्रो में। विच कंट्री वॉन द टाइटल फाइफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, बताइए इंडिया, स्पेन, अर्जेंटीना, ब्राजील, वो कौन सी टीम है जिसने फाइफा जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में जो है टाइटल जीता है, तो वो स्पेन है। कौन सी कंट्री है, स्पेन है। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फाइफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करवा रहा था। चैंपियंस कौन है, स्पेन है, और पहला इनका टाइटल रहेगा ये। रनर अप की बात करेंगे वो इंग्लैंड है।
बेस्ट प्लेयर की बात करेंगे स्पेन की ही, जो है वो एटेना बोनमाटी है जिनको बेस्ट प्लेयर मिला है, और बेस्ट गोलकीपर जो है वो इंग्लैंड की मैरी एर्प्स है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला जो है चेस वर्ल्ड कप जो है 2023। चेस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, हु वॉन द टाइटल ऑफ चेस वर्ल्ड कप 2023। चेस को जो है बहुत लोग जो है वो लाइक करते हैं। मैंने फेसबुक पे जो है जब ये इसका जो है ये इसका रिजल्ट निकला था चेस वर्ल्ड कप 2023 का, अपने फेसबुक पेज पे डाला था और तकरीबन जो है 20,000 लोगों ने जो उस पोस्ट को जो है वो लाइक किया था। सिर्फ लाखों लोगों तक जो है वो पोस्ट पड़े पहुंची थी, इतने ज़्यादा ज़्यादा जो है लोग जो है चेस वर्ल्ड कप को जो है वो लाइक करते हैं, चेस गेम को जो है एक्चुअली में। चलिए अब देखिए, चेस वर्ल्ड कप जो है 2023 की अगर मैं बात करता हूँ तो इस बार जो टाइटल जीतने वाले थे वो मैग्नस कार्लसन थे। कार्लसन याद रखेंगे, हमारे इंडिया के जो है वो प्रज्ञानंदा जो थे ये रनर अप रहे हैं, और लेकिन जो है अब इन्होंने भी काफ़ी रिकॉर्ड बनाए, अभी हम इनके रिकॉर्ड्स भी देखेंगे आगे, वो भी हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो फिलहाल जो है याद रखेंगे, चेस वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीतने वाले जो थे वो मैग्नस कार्लसन थे। तो ये कहाँ पर हुआ है चेस वर्ल्ड कप 2023? अजरबैजान के शहर बाकू में हुआ है। चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन थे और रनर अप इंडिया के जो है आर प्रज्ञानंदा थे। अब की जो है सिस्टर ने भी एक रिकॉर्ड बनाया था, वो भी पोस्ट आप जो है हमारे इंस्टाग्राम से देख लेना। चलिए अगले अगला हम देखते हैं, फाइबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। मैंने आपको पीडीएफ दी थी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट गेम्स से रिलेटेड, होस्टिंग्स जो है वेन्यूज से रिलेटेड, उसमें मैंने जो है गेम्स से रिलेटेड जो है वो बोला था कि कौन सी गेम से जो है कौन सा कप मिलता है। आप देखिए, बास्केटबॉल से रिलेटेड जो है फाइबा वर्ल्ड कप होता है, पहले ये बात जो है आप याद रखेंगे। अब वो कौन सी कंट्री है जिसने टाइटल जो है जीता है 2023 का फाइबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का, और वो कंट्री जो है जर्मन है। कौन सी है? जर्मनी। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। फाइबा बास्केटबॉल जो है वो कराने वाली कंपनी यानी कि होस्ट कंट्री जो थी फिलीपींस थे, जापान थे, इंडोनेशिया थे। चैंपियंस जो है वो जर्मनी है, पहला टाइटल जीता है। रनर अप सर्बिया होंगे और टॉप स्कोरर जो थे स्लोवेनिया के लुका डोंसिस थे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ग्रैंड मास्टर की बात आई है। ग्रैंड मास्टर की जब भी हम बात करते हैं, विश्वनाथ आनंद का आपने नाम तो सुना होगा जो कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो है बने थे यहाँ से। अब यहाँ पर बात की गई है हु बिकम द 83rd जो है चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है नाम जो है वो आदित्य सामंत का जो है नाम भूलेंगे नहीं, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए कुछ रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का पहला चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड नहीं, अभी जो हमारी रिवीजन हो रही है ये 83rd था, अब 82 और 81 देख लेते हैं। 82 पूछ सकते हैं, 83rd पूछेगा नहीं कोई आपको। तो 82nd जो था वो जो है प्रणीत वोपला थे, तो नाम भूलेंगे नहीं। फिलहाल जो है आप 83 देखेंगे, आदित्य सामंत थे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम गोल्ड मेडल एट 2023 वर्ल्ड आर्करी चैंपियनशिप। वर्ल्ड आर्करी चैंपियनशिप में जो है किस कंट्री ने जो है मैक्सिमम गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं? तो बताएंगे इंडिया ही है। ऑप्शन सही जो होगा वो इंडिया होगा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड आर्करी चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही थी? जर्मन के शहर बर्लिन में हो रही थी। तो इंडिया ने इसमें टोटल 4 मेडल जीते हैं, 3 इनमें से गोल्ड होगा, एक जो होगा ब्रॉन्ज मेडल होगा, सेकेंड नंबर पे जो होगा वो साउथ कोरिया होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल 2023 विंबलडन चैंपियनशिप। तो विंबलडन चैंपियनशिप की अगर बात करेंगे तो सही आंसर हमारा ये होगा कार्लस अल्करस। पढ़ा चुका हूँ मैं 3-4 दिन पहले आपको, कार्लस अल्करस जो है ये स्पेन के हैं, इन्होंने जो है विंबलडन चैंपियनशिप जो है जीती है। इन्होंने नोवाक डिजोकोविक सर्बिया के जो प्लेयर थे, जो कि फेमस प्लेयर है, जो इन्होंने अभी तक जो है 20 से ज़्यादा जो है वो टाइटल जीते हुए हैं जो है वो ग्रैंड स्लैम के, उन्हें हराया था। तो कार्लोस अल्करस जो थे, ये आपका सही आंसर होगा। अच्छा, वुमेन्स की अगर हम बात करते हैं, विंबलडन ओपन ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, मार्किटा वंद्रुसोवा होगी, चेक रिपब्लिक की है, इन्होंने हराया था ओनस जेबियर को तुनिशिया की। तो आंसर सही जो होगा वो सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप इन 2023। वो कौन सी कंट्री है जिसने जीता है टाइटल एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का?
कबड्डी चैंपियनशिप में जो है वो इंडिया ने जो जीता है, और रनर अप आपकी जो है वो ईरान रहेगा। तो ईरान जो होगा वो सेकंड नंबर पे होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं, इंडिया सही आंसर है। तो होस्ट कंट्री जो थी वो कौन सी थी, साउथ कोरिया करवा रहा था। चैंपियनशिप की अगर बात करेंगे इंडिया ने, और इंडिया ने जो है अभी तक ये इंडिया का 8वां टाइटल है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का, रनर अप जो होगी वो ईरान होगी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है सैफ चैंपियनशिप से रिलेटेड। विच कंट्री वॉन द टाइटल एट 2023 सैफ चैंपियनशिप। तो बताइए सैफ चैंपियनशिप जो है वो किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है, पहले आप मुझे ये बताइए। तो ये इंडिया ने जीती है 2023 में, और ये हमारी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। एस से जो होगा वो साउथ होगा, ए से होगा एशियन, और एफ से होगा फुटबॉल होगा, और एफ से जो होगा फेडरेशन होगा। तो 2023 सैफ चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। इंडिया जो है वो जो है इसका विनर है, और इंडिया ही जो है वो होस्ट भी कर रहा था, और इंडिया जो है इस बार जो है 9th टाइटल जो है जीत चुका है। रनर अप की बात करेंगे तो कुवैत होगा। टॉप स्कोरर जो है इसमें सुनील चैत्री है, 5 गोल जो है इन्होंने किए हैं। बेस्ट प्लेयर भी जो है सुनील चैत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल एट 2023 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वो कौन सी कंट्री है जिसने मेडल जीते हैं 2023 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। चार ऑप्शन हमारे पास, इंडिया, चाइना, फ्रांस, यूके हैं। तो बताएंगे आप वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा जो है मेडल जीते, तो वो हमारी चाइना होगी। कौन सी होगी, चाइना। चाइना ने 2023 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में जो है सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते इन्होंने, 45 मेडल जो है वो जीते हैं। अगर इंडिया की बात करूंगा, इंडिया ने जो है 10 मेडल जिसमें जीते हैं। अच्छा, होस्ट कंट्री की बात करेंगे, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में फ्रांस में हो रही थी, पेरिस में। सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने जीते हैं। इंडिया का रैंक जो है वो 19th रैंक है। 10 मेडल जो है इंडिया ने जीती है, जिसमें 3 गोल्ड होगा, 4 जो है वो सिल्वर है। अच्छा, जो इंडिया में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं वो कौन से प्लेयर है। एक तो जो हमारे जेवलिन थ्रो में जो है वो सुमित अंटिल आते हैं, और अजीत सिंह आते हैं, ये दो। उसके अलावा शॉटपुट में जो है वो सचिन सर्जीरू आ रहे हैं। तो 3 ही गोल्ड है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि 3 गोल्ड मेडल जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है इंडिया से किसने जीते हैं। सुमित अंटिल आएंगे और सचिन सर्जीरू खिलाड़ी आएंगे शॉटपुट में, और अजीत सिंह जो है जेवलिन में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 दुलीप ट्रॉफी। तो दुलीप ट्रॉफी जो किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है, आप पहले ये बताइए। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइए कि दुलीप ट्रॉफी जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस गेम से रिलेटेड है। आप बताएंगे कौन सी टीम ने जो है टाइटल जीता है दुलीप ट्रॉफी में, तो वो हमारी कौन सा जोन होगा, ये हमारा साउथ जोन होगा। साउथ जोन ने जो है, अच्छा साउथ जोन ने किसको हराया था, वेस्ट जोन को जो है हराया था। चलिए देख लेते हैं अब क्या यहाँ पर है। साउथ जोन जो है हमारा जो है वो, हाँ तो अब देखिए मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आंसर एक्सप्लेनेशन मिल गई है कि दुलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट गेम से जो रिलेटेड है। चैंपियन जो होंगे वो साउथ जोन होगा, और रनर अप जो होंगे वो हमारे वेस्ट जोन होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 2023 फाइफा अंडर 19 वर्ल्ड कप। वो कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट कर रही थी 2023 का फाइफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। ये कंट्री है इंडोनेशिया। कौन सी कंट्री है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट एवर टू स्कोर 9000 टेस्ट रन। जो है सेकंड नंबर पे, एक तो हमारे जो है वो श्रीलंका के एक प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो तेजी से जो है 9000 रन बनाए हैं टेस्ट रन की अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है सेकंड फास्टेस्ट की बात पूछी गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है स्टीव स्मिथ होंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो है ये सेकंड नंबर पे होंगे। 9000 रन जो है सबसे पहले जो है और सबसे तेज जो बनाने वाले हैं टेस्ट में वो कुमार संगकारा होंगे श्रीलंका के, और स्टीव स्मिथ जो है वो दूसरे नंबर पे अब ऑस्ट्रेलिया के बन चुके हैं। देखिए इससे आगे पहले हम चले, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हुआ, ये वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता है, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है इसमें वो रनर अप है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैच जो है वो जीत चुका है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, बट मुझे लगता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप जो क्रिकेट ऑलमोस्ट सभी देखते हैं, तो आपको वो सारे फैक्ट जो है वो याद होंगे, और वैसे भी हमने जो है वेबसाइट पे तो अपलोड किए हुई है वो चीज़ें, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड ए ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी वर्ल्ड कप।
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के। फोटो तो लगी हुई है तो आपको पता चल गया होगा शाहरुख खान। बट आप मुझे ये बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर को जो है क्या बनाया है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी ये बात, आप ये बात बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर को जो है क्या बनाया है। तो आईसीसी वर्ल्ड कप की अगर बात करेंगे, इस बार जो होस्ट कंट्री कौन थी, वो इंडिया थी। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में है। चेयरमैन जो है वो ग्रेग बार्कले है। अभी जो है एक प्लेयर जो है वो काफ़ी फेमस है बैडमिंटन की हिस्ट्री में और इंडिया के ही है, जिन्होंने जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया हुआ है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु क्रिएटेड द जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हिट बाय अ मेल प्लेयर इन द बैडमिंटन हिस्ट्री। बैडमिंटन हिस्ट्री में वो कौन से प्लेयर है जिन्होंने जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट हिट का, सबसे तेजी से हिट करने वाले 500 कुछ जो है वो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है इन्होंने वो जो है वो हिट किया हुआ है। वो प्लेयर जो है वो सत्विक सहराज है, ठीक है, ये नाम जो है वो भूलेंगे नहीं। तो याद रखेंगे इंडियन शटलर सत्विक सहराज जो है इन्होंने 565 किलोमीटर पर आवर से जो है वो हिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 फ्रेंच ओपन। 2023 के फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल टाइटल जो है जीतने वाले कौन थे, तो इनमें भी जो है वो नोवाक जोकोविच का ही जो है वो नाम आएगा। आंसर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए जान लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, पूरा फ्रेंच ओपन को जो है रिवाइज कर लेते हैं। मेन सिंगल टाइटल की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। इन्होंने अभी तक ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो 30 बार जो है जीता हुआ है। इन्होंने इस बार डिफीट किया था कैस्पर रूड को नॉर्वे के। वुमेन सिंगल टाइटल की अगर हम बात करते हैं तो ईगा स्वियातेक जो है पोलैंड की रहने वाली है, ये जीती है। और इन्होंने जो है डिफीट किया है किसको, कैरोलिना मुचोवा को, जो कि चेक रिपब्लिक की है। फ्रेंड्स आप जो है हमें फेसबुक पे जो है ज़रूर फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, जहाँ पर जो है एक्टिव है। सिर्फ जो है कंटेंट रिलेटेड ही जो है पोस्ट वहाँ पर अपलोड होती है, लेकिन फेसबुक पे जो है वो एक जॉब नोटिफिकेशन भी जो है वो अपलोड हो जाती है। आप हमारी वेबसाइट पे जो है वो नोट्स वगैरह के लिए जो है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं JKSSB की, और जॉब्स वगैरह के लिए भी जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है, तो आपके फ़ायदे की चीज़ें होगी। तो आप जाके जो है ज़रूर वेबसाइट पे जो है विजिट करना, www.homeacademy.in होगा। चलिए अगला हमारे पास जो है वो नेशनल गेम्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ द मैस्कॉट फॉर 37th नेशनल गेम्स। तो क्वेश्चन तो ऐसे बनाया है कि 37th नेशनल गेम, बल्कि उसका मैस्कॉट क्या है। बट हमने क्या करना है, हमने तो सारे फैक्ट जो है वो रिवाइज करने हैं नेशनल गेम्स से रिलेटेड भी। फिलहाल मैस्कॉट तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या है, मोगा है। तो सही आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए नेशनल गेम्स 2023 के बारे में देख लेते हैं। ये कौन होस्ट कर रहा था, गोवा, ठीक है, रिप्रेजेंट एन इंडियन बाइसन को जो है रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने जो है वो लॉन्च किए थे। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द इंटर कॉन्टिनेंशियल कप 2023 टाइटल। विच कंट्री वॉन द इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 टाइटल। वो कौन सी कंट्री है जिसने जीता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का टाइटल। इंडिया है, लेबनान है, फ्रांस और कीनिया। तो इंडिया ने जीता है और लेबनान जो है वो रनर अप था। तो लेबनान जो है वो रनर अप था, इंडिया ने जो टाइटल जीता था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आंसर ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जो है ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ये होस्ट कौन कर रहा था, उड़ीसा, भुवनेश्वर। चैंपियन इंडिया है, सेकंड टाइटल जिन्हें मिला है, और रनर अप जो होगा वो लेबनान होगा। और लेबनान काफ़ी अभी न्यूज़ में भी है, तो इससे रिलेटेड भी फैक्ट आप याद रख लेना कुछ कुछ। विच कंट्री वॉन 2023 फाइफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो वो कौन सी जो है कंट्री है जिसने जीता 2023 का फाइफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो वो हमारे पास जो है वो यूरुग्वे होगी। देखो यूरुग्वे ने जो है वो टाइटल जीता है, टाइटल जो है वो यूरुग्वे ने लिया है। अर्जेंटीना जो है वो होस्ट था। तो यहाँ पर देखिए होस्ट कंट्री कौन सी होगी, अर्जेंटीना होगा। चैंपियन कौन है, यूरुग्वे होगा, इनको पहली बार ये टाइटल मिला है। और रनर अप जो है वो इटली है। मोस्ट गोल जो है वो इटली के जो है वो किसे जो है सिजेरी
किसडिया जो है इन्होंने किए थे, और ये बेस्ट प्लेयर भी जो है वो रहे हैं। चले आगे चलते हैं हम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स में आपको अलग से पढ़ा चुका हूँ, होपफुली आप सभी ने इसे वॉच किया होगा। ठीक है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट गेम है, भूलना नहीं उसे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2000 जो है वो 23 में जो है, पर ये 24 अप्रैल से जो है 3 मई तक जो है वो करवाई गई थी ये गेम्स। आप यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो आंसर बी जो होगा वो सही होगा। खेलो इंडिया जो है यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 3rd एडिशन था, होस्ट जो कर रहा था उत्तर प्रदेश। इसका मैस्कोट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बना हुआ है बारासिंघा, जिसे जेटू कहा गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 69 जो है वो मेडल लिए हैं, 26 जो होंगे गोल्ड मेडल लिए हैं, 17 जो है सिल्वर मेडल, 26 जो है ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री वॉन द 2023 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल। वो कौन सी कंट्री है जिसने जीता है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल, तो ये कंट्री जो है वो कौन सी है, ओमान है या इंडिया है? तो ये इंडिया है, लेकिन ओमान भी जो है इसमें, ओमान जो है एक्चुअली करवा रहा था, तो होस्ट कंट्री जो है वो ओमान है। इंडिया जो है चैंपियन है, रनर अप जो है पाकिस्तान है। तो बेस्ट प्लेयर जो है पाकिस्तान के अब्दुल शाहिद जो है, उन्हें बेस्ट प्लेयर मिला है जूनियर एशिया कप में मेंस हॉकी में, और बेस्ट गोलकीपर जो है इंडिया के मोहित होंगे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आईपीएल से थोड़ा देख लेते हैं, विच टीम वॉन द आईपीएल 2023 टाइटल। तो चेन्नई सुपर किंग का यहाँ पर जो है वो टैग लगा हुआ है, देख सकते हैं आप इनका पोस्टर। तो चेन्नई सुपर किंग जो है तो इन्होंने टाइटल तो जीता था, और गुजरात जो थे वो रनर अप थे। तो सही आंसर आपका चेन्नई सुपर किंग होगा। कुछ फैक्ट देख लेते हैं, आईपीएल 2023 में चेन्नई जो है सुपर किंग्स 5वीं बार ये टाइटल जीत रहे हैं। कैप्टन इनके एमएस धोनी हैं। रनर अप की बात करेंगे गुजरात टाइटन्स थे, और यहाँ के कैप्टन हार्दिक पांड्या हैं। और कुछ फैक्ट देखते हैं, आईपीएल 2023 का होस्ट कंट्री कौन थी, इंडिया थी। फाइनल मैच जो खेला गया वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, गुजरात के शहर अहमदाबाद में। टाइटल को स्पॉन्सर करने वाले टाटा ग्रुप वाले थे। चैंपियन कौन रहे, चेन्नई सुपर किंग्स। रनर अप मैंने आपको बता दिया गुजरात टाइटन्स। बट अब हमने कुछ और फैक्ट देखने हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ऑरेंज कप क्या होता है, पर्पल कप क्या होता है, ठीक है, ये दो फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ऑरेंज कप उसे मिलता है जो सबसे ज़्यादा रन जो है वो बनाते हैं, या जैसे कि शुभम गिल था, इन्होंने 890 रन बनाए थे, तो इन्हें जो है वो ऑरेंज कप मिला है, और ये गुजरात टाइटन्स से खेलते हैं। फिर यहीं से जो है मोहम्मद शमी हमारे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले को पर्पल कप मिलता है। फिर हमारे पास जो है वो एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जो है वो यश राजवी जायसवाल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वन द मेन सिंगल टाइटल 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। तो वो कौन है जिन्होंने जीते हैं मेन सिंगल टाइटल जो है वो 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। तो यहाँ पर मैं आपको नाम बताऊँ तो आपका जो है सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि एंटोनी सिनिस्का गेंटिंग है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है चैंपियंस, ये इंडोनेशिया के हैं। वुमेन सिंगल टाइटल की बात करूँगा, टाई टिजुजिंग है ताइवान के। मेन डबल में इंडिया के जो है वो सत्विक सहराज होंगे, और जो है चिराग शेट्टी उनके साथ में है। नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल एट दोहा डायमंड लीग 2023। नीरज चोपड़ा के नाम बहुत से मेडल है, आप जानते हैं जेवलिन थ्रो करते हैं, तो दोहा डायमंड लीग में जो है ये इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता है, गोल्ड मेडल। तो नीरज चोपड़ा इंडिया के जो है वो जेवलिन थ्रोवर है, वन इन्होंने गोल्ड मेडल किया है, 88.67 जो है वो मीटर जो है डिस्टेंस पे इन्होंने फेंका हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो है वो बहुत से रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जैसे टोक्यो ओलंपिक में 87 पॉइंट जो है वो 58 जो है इन्होंने थ्रो किया था, और गोल्ड मेडल जो है इन्हें मिला था। फिर जो है पवानो नुर्मी गेम्स में सिल्वर मेडल मिला हुआ है, अभी 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला है, डायमंड लीग में जो है इन्हें गोल्ड मेडल जीत मिला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, हु स्कोर्ड द फर्स्ट एट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो है वो 50 रन जो है तेजी से बनाने वाले कौन थे,
अभी वो प्लेयर आईपीएल में जिन्हें जो है एमर्जिंग प्लेयर भी मिला है अवार्ड। अभी मैंने पढ़ाया आपको पिछली स्लाइड में, यशस्वी जायसवाल, इन्होंने जो है 13 बालों में जो है 50 रन बनाए थे। कितने बारों में? 13 बालों में। इनसे पहले जो है वो केएल राहुल का एक रिकॉर्ड था 14 बालों में जो है 14 बालों में 50 रन, बट अब जो है इन्हें जो है यशस्वी जायसवाल जो थे इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड बनाया है और ये एमर्जिंग प्लेयर जो है अवार्ड जो है इनको मिला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला प्लेयर है हु बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 5000 रन इन ओडीआई। ओडीआई मैचेस में सबसे ज़्यादा जो है 5000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन है? तो वो जो है बाबर आजम होंगे। कौन है? बाबर आजम। तो आंसर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है स्क्रीन पे। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023। वो कौन सी कंट्री है जिसने टाइटल जीता है खो खो चैंपियनशिप 2023 का, 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप? तो ये कंट्री हमारे पास डी है जो कि इंडिया है। तो इंडिया ने जो है टाइटल जीता है। चलिए खो खो गेम से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 में जो है मेन्स टाइटल विनर जो है वो इंडिया है, ठीक है, और वुमेन्स टाइटल में भी जो है वो इंडिया ही है। तो डिफीट इन्होंने नेपाल को किया है। और टोटल प्लेयर होते हैं कितने खो खो गेम में? 12। 9 जो होते हैं वो फील्ड में होते हैं, 3 जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग। वो कौन सी टीम है जिसने जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग को जो है वो जीती है? तो ये मुंबई इंडियंस होगी। कौन सी होगी? मुंबई इंडियंस। 2023 का वुमेन्स प्रीमियर लीग के स्पॉन्सर जो थे वो टाटा ग्रुप था, होस्ट कंट्री इंडिया थी, चैंपियंस मुंबई इंडियंस थे जिनको पहली बार टाइटल मिला है, और रनर अप जो है वो दिल्ली कैपिटल्स होंगे। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे, मैथ्यू जो है होंगे मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दिल्ली कैप्टन्स में मैग लैनिंग्स होंगे। 345 रन बनाए थे। मोस्ट विकेट जो है वो मैथ्यू ने ली थी, 6 विकेट्स। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम मेडल एट 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 2023 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में? तो वो कंट्री होगी कजाकिस्तान। आप जानते हैं जो भी सोवियत यूनिट के जो कंट्रीज थे वहाँ पर जो है रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी जो है खेली जाती है। तो यहाँ पर जो कजाकिस्तान जो होगा वो नंबर वन होंगे। तो ऑप्शन जो है सही जो होगा वो कजाकिस्तान होगा। इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो जीते हैं। कितने जीते हैं? 20 मेडल जो है जीते हैं कजाकिस्तान ने। अच्छा इंडिया की मैं बात करूंगा, इंडिया ने जो है वो 14 मेडल जीते जिसमें से एक जो होगा वो गोल्ड मेडल होगा। 2023 जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप होस्ट कंट्री कजाकिस्तान थी। कजाकिस्तान ने 20 मेडल जीते, जापान दूसरे नंबर पे था, इंडिया का रैंक 7 था 14 मेडल के साथ, एक गोल्ड है। अच्छा इंडिया ने एक गोल्ड जीता, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो गोल्ड जीतने वाले कौन थे? अमन सहरावत थे। कौन थे? अमन सहरावत। जो है इन्होंने एक जो है वो गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। किस में? 2023 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो भूलेंगे नहीं आप ये फैक्ट। यहां पर हम जो है देखेंगे अभी बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स के बारे में। अभी 2023 में देखिए हमने हर चीज ली हुई है, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ठीक है, हर गेम्स जो है वो ली हुई है। विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम गोल्ड मेडल एट वुमेन्स वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप? बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल जो है लेने वाले तो थे 7 मेडल चाइना, लेकिन यहाँ पर गोल्ड मेडल की अगर बात करेंगे ना, गोल्ड मेडल 4 लिए हैं इंडिया ने, नहीं सॉरी 3 लिए हैं इंडिया ने, 3 जो है वो गोल्ड मेडल लिए हैं इंडिया ने, 4 लिए हैं चाइना ने, रशिया ने 1 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा पूछे हैं, सॉरी इंडिया ने 4 लिए हैं, चाइना ने 3 लिए हैं, रशिया ने 1। तो गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जो है वो किसने लिए? इंडिया ने। और अगर सबसे ज़्यादा मेडल पूछेंगे तो वो 7 मेडल जो है वो चाइना ने लिए हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो वो डिपेंड करता है उस पर। तो देख लीजिए इंडिया ने जो है गोल्ड 4 लिए है, टोटल जो है 4 ही मेडल लिए हैं। चाइना ने टोटल 7 मेडल लिए है जिसमें से 3 ही गोल्ड है, इसलिए रैंक जिसका गोल्ड ज़्यादा होते हैं उसको रैंक 1 होता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में जो होस्ट कंट्री थी वो इंडिया ही थी। इंडिया ने जो है वो 4 जो है वो गोल्ड मेडल लिए हैं। तो उन 4 प्लेयर्स के नाम याद रखेंगे, एक तो निकहत सरीन है,
फिर नीतू घनघास है, फिर सविता बोरा है और लोवलीना बोरगेन है। तो चारों नाम आप भूलेंगे नहीं। फ्रेंड्स चलो यहीं तक करते हैं, आगे चलते हैं। फिर हम आगे इस वीडियो को मैंने दूसरा पार्ट बनाया जहाँ पर हम और कुछ क्वेश्चन जो है कवर करेंगे और साथ साथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से जो है कवर करेंगे, या जो भी करंट अफेयर कुछ और मुझे लगता है आपको एग्जामिनेशन से पहले चीज़ें जो है लानी चाहिए मैं लेके आऊँगा। रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।